शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अभी मिडवे हम लोग, थोड़ा दिक्कत हो गई है, टायर फट गया एक, पर पुराना टायर था शायद फट गया हो, बट अच्छा था कि हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह के बज रहे अभी 6 और मैं आपको सब बता दूं कि जो यात्रा पास है वो आप ऑलरेडी ऑनलाइन कर लें, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ आके अगर आप कराते हैं ई पास का तो आपको 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे, वो अलग चार्जेस होंगे, तो इट्स बेटर कि आप घर से ही ऑनलाइन करा के आएँ और उसके बाद यहाँ आके आपको लाइन तो लगानी लगानी है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है, इसलिए एडवाइस करता हूँ कि आप बहुत जल्दी आ जाएँ। 6 बजे का टाइम है यहाँ पे खुलने का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का, तो आप 5:30 तक यहाँ पे पहुँच जाएँ किसी भी हालत में, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी रहती है और आप नहीं चाहेंगे कि आप लेट हों, इसलिए। आप देख सकते हैं भाप निकल रही है, एकदम गर्म पानी है, पूरी भाप निकल रही है। बेसिकली यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर के अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक सिरसी करके नाम है, एक फाटा करके जगह है, तो दो अलग अलग जोन्स हैं। फाटा में आई गेस 2350 रुपये है एंड सिरसी में थोड़ा सा ज़्यादा है, 2500 तक जाएगा। तो आपको ऑनलाइन बुक कराना होगा, आना जाना दोनों का करा सकते हैं, या जाना जाना भी करा सकते हैं, आना आना भी करा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, हर बार आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हेलीकॉप्टर मिल ही जाए। सो टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आपको पहले से बुक कराएंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, अच्छा रहेगा आपके लोग के लिए, पहले से बुक करा के आएँ हेलीकॉप्टर भी। बट हेलीकॉप्टर का मज़ा क्या है, अगर ट्रैक करा नहीं तो क्या किया, 16 किलोमीटर अगर आप चले नहीं और वहाँ तब जाके आप केदार बाबा के पास नहीं पहुँचे तो मतलब क्या है। तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि ट्रैक करें और हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। अभी हम सेकंड पल पे हैं, अभी भीमबली पहला वाला जंगल चट्टी पहला स्टॉप हमने छोड़ दिया था, हमने स्किप किया, हमने एक लंबा स्ट्रेच किया, तो हम सेकंड स्टॉप पे आ गए भीमबली जो कि 7 किलोमीटर है बरीकुंड से, सो अराउंड 9 से 10 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट इट्स ऑल फिज़िकल फटीग है, सब फिज़िकल फटीग होता है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहते हो क्योंकि आपको ऊपर जाना है। ये ब्यूटी है, तो हम लोग यहाँ से आए हैं अभी ऊपर वो, और अभी यहाँ से दो रास्ते हैं, यहाँ से या तो आप ऊपर आएँ और होते हुए सीधे जाएँ, ये लॉन्ग कट है, आप चाहें शॉर्टकट भी ले सकते हैं, ये यहाँ शॉर्टकट है ऊपर को जाता हुआ, ये है सीधा रास्ता और ये है शॉर्टकट के लिए रास्ता, तो हम शॉर्टकट जाने वाले हैं हम लोग, लेट्स गो।
बेसिकली हम वहाँ नीचे से आए थे और एक लॉन्ग कट रास्ता था जो ऐसे घूम के जाता और यहाँ से होते हुए आता है, उसका ही शॉर्टकट एक रास्ता है जो कि सामने से आते हुए हम यहाँ होते हुए आते हैं पहाड़ से। सो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर इसने बचाया हमारा। हाफ वे डन, आधा और बचा है, लेट्स गो। अगला स्टॉप है लिंचौली जो कि 2.7 किलोमीटर पे है, उसके बाद 8 किलोमीटर पे केदारनाथ, लेट्स गो। महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति जब 2013 में त्रासदी आई थी ना तो हुआ क्या, ये रहा है मेन रास्ता। अब पहले यहाँ से होते हुए जाते थे, बट अब हुआ क्या, मंदाकिनी रिवर जो फुल फ्लो में आई पूरा का पूरा लेके चले गई, पूरा का पूरा रास्ता, समझ रहे हैं आप क्या भयंकर त्रासदी रही होगी, वो सोच सकते हैं आप लोग। माय गॉड, अब ये बंजर पड़ा है पूरा, कोई जा नहीं सकता यहाँ पे। अब नया रास्ता है यहाँ से होते हुए जाएंगे हम और यहाँ से आगे जाएंगे। वो केदारनाथ 2.5 किलोमीटर बचा है, घोड़ा पड़ा हुआ 0.5 किलोमीटर है, जहाँ पे घोड़ों का लास्ट स्टॉप होता है, उसके आगे कोई घोड़ा नहीं जाता है, हर किसी को पैदल ही यात्रा करनी होती है। इसके साथ ही मुझे दिखा यहाँ पे इकलौता ग्लेशियर जो हमें यहाँ दिखा, बाकी पूरा रास्ता साफ था, कोई बर्फ़ नहीं थी, कोई ग्लेशियर नहीं था, बहुत साफ रास्ता था अभी, बट एक आध दिन में बर्फ़ पड़ने वाली है यहाँ पे बताया जा रहा है। और दिवाली तक तो वैसे भी बंद होना है, 16 नवंबर लास्ट डेट है 16 नवंबर, उसके बाद का पार्ट बंद हो जाएंगे। 2.5 किलोमीटर बचा है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको बेस कैंप पे। चलिए तो गाइस, अभी ऑलमोस्ट मैं पहुँचा हूँ केदारनाथ धाम और रास्ते में मुझे अपने एक दोस्त मिले हैं जो मुंबई से उसके पास महाराष्ट्र से हैं एक्चुअली, उन्हीं से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा महाराष्ट्र से यहाँ तक, तो बताइए सर। मैं धुले से आया था। हाँ जी, धुले से पहले नाम बताइए सर। मेरा नाम नीलेश दिलीप धाकर है। हाँ जी, हम 5 लोग थे साथ में, धुले से निकले हम, धुले से हमने एक प्राइवेट टैक्सी बुक की और भुसावल तक आए, भुसावल जंक्शन के बाद हम लोग आए हरिद्वार बाय ट्रेन हरिद्वार आए, उधर हम एक दिन रुके, हरिद्वार में ही रुके ऐसा समझ लो, आसपास में रुके। हरिद्वार से एक प्राइवेट टैक्सी बुक की, ठीक है, उसका रेंट 19,000 5 दिन का, उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ और गौरीकुंड पैकेज में आया, मतलब आप वो पैकेज में आए। हाँ जी, तो हम आ गए इधर से, गौरीकुंड से आ रहे थे लेकिन बीच में से मेरे पैर दुखने लगे, इसलिए मैं घोड़ा कर लिया, मैंने मैं घोड़े पे आ गया। घोड़ा कितना पड़ा आपको घोड़े का? घोड़े का रेंट मुझे 2300 रुपये लगा। 2300 रुपये लगा गौरीकुंड से यहाँ तक का? हाँ ठीक है, 2300 रुपये लगा। हाँ। और बाकी दोस्त मेरे पैदल आ रहे हैं। जी जी जी, ऐसा। अच्छा, अभी मैं इधर आया हूँ, आपसे मिला हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं अभी मुंबई से ही हूँ, मुंबई से मेरे कॉलेज है, तो अभी लौटा ही था मैं जिस कॉलेज से और मेरे को यहाँ आना था ट्रैक पे, तो वहीं के दोस्त मिल गए मुझे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। मुझे लगा उनसे उनका एक्सपीरियंस मांगना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी लोग हैं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से जो आते हैं इस साइड, उनके लिए ईजी हो जाएगा ये,
तो इनका एक्सपीरियंस था। तो अभी अब क्या करने वाले हैं? अभी जा रहे हैं धाम, अभी हम ऊपर दर्शन वगैरह करेंगे, आज रात इधर ही रुकेंगे। जी जैसे मिलेगा होटल मिलेगी, टेंट मिलेगा, जो मिलेगा उसमें हम स्टे करेंगे। ठीक है। और कल सुबह इधर से रिटर्न निकलेंगे। ठीक है। टैक्सी वाला हमको गौरीकुंड से पिक करेगा और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। तो यहाँ से आप बद्रीनाथ जाएंगे? बद्रीनाथ, फिर वहाँ से वापस हो जाएगा। ठीक, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। ओके, मिलते हैं फिर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट रहेगा धाम, जाते हैं, थोड़ा बैग रखते हैं, होटल बुकड है, उसके बाद देखते हैं। शाम की आरती करेंगे, बहुत भव्य आरती होती है। शाम की आरती 6:30 बजे की, अभी 3 बज रहा है, बहुत टाइम है हमारे पास। शिट, मेरा ईयरफोन निकल गया था, अभी ये निकलता जाता सीधा अंदर, मिलता भी नहीं, यहाँ फंस गया। शिट। तो अभी मुझे अभी एक SDRF टीम के मेंबर मिले थे। प्री बुक करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आइडिया ये है कि आप प्री बुक करें 2 या 3 दिन पहले मिनिमम होता है बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी बुकिंग नहीं है, बिल्कुल भी बुकिंग नहीं है। इधर आपको या तो टेंट्स में रहना होगा या फिर वापस जाना होगा। मैंने 3 दिन पहले करा दिया था और उस समय से 5 बेड बचे थे। आई वॉज लकी। ये हेलीपैड जहाँ पे फाटा से और सिरसी से हेलीपैड जाते हैं, यहाँ रुकते हैं और फिर यहाँ से हर यात्री को पैदल जाना है धाम तक। अभी जो मैं व्यू देख रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना फैसिनेटिंग है, इतना अमेजिंग है, देख लो यार आप। बस जो है अभी 5:30 शाम के, जाना है अभी आरती के लिए, चलते हैं। 6:30 बजे की आरती है शेड्यूल, पहले चलते हैं, जल्दी जाएंगे तो आगे बैठने का मौका मिल सकता है। तो कैश की बहुत दिक्कत है, तो कोई आ रहा है कैश के लिए, कैश इसके पास कम है, अगर जो यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, वो आपको वो कैश देंगे, इन रिटर्न 10% कमीशन है यहाँ पे बोला जा रहा है। स्टिल नीचे से ही आप कैश लेके चले, जितना हो सके उतना कैश लेके जा सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना आपको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है उतना, 10% कमीशन काफ़ी होता है। तो यहाँ है ऊपर जाने का रास्ता केदारनाथ जी के लिए, और उसी के साइड में यहाँ पे स्वामी रामानंद अन्न भंडार चल रहा है। स्वामी रामानंद जी का यहाँ पे मंदिर है, वहीं पे यहाँ पे भंडारा चल रहा है, खिचड़ी मिलती है, बहुत टेस्टी है बताया जा रहा है। हम अभी तो नहीं, कल सुबह ट्राई करते हैं, खाने का अभी भीड़ काफ़ी है। तो केदारनाथ जी के लिए रास्ता यहाँ से जाना है, सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं यहाँ से और वहाँ पे मंदिर है, एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सब त्रासदी जो हुई थी उसके बाद बनाया गया था। तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, आनंद लेते हैं, एटमॉस्फेयर का, माहौल का आनंद लेते हैं। साइड में दुकानें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खाने पीने का मिलता है, होटल्स भी होंगे छोटे मोटे, देखिए कॉटेजेस भी हैं यहाँ पे, बट अभी काफ़ी हाई रेट जा रहा है बताया जा रहा है। अभी इस समय अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो इन होटल्स का, इन कॉटेजेस का 7,000 पर रूम है। हर हर महादेव, फाइनली हम पहुँच गए, फाइनली केदारनाथ, फाइनली केदारनाथ पहुँच गए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या कैसा फील हो रहा है इस समय मुझे, क्योंकि वो फील अलग ही थी, वो मैं कहीं कैप्चर नहीं कर सकता था। काफ़ी लोग यूट्यूब पे दिखते हैं जो यू नो यहाँ के सीढ़ियों पे आके कैप्चर करते हैं वो मोमेंट्स, वो मत्था टेकते हैं केदार बाबा के सामने, इट्स गुड, करना चाहिए कैप्चर ये सब मोमेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू मी वो जो मोमेंट होता है वो कैप्चर नहीं किया जा सकता। वो मोमेंट बहुत डिवाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है वो मोमेंट, कैप्चर किया जा ही नहीं सकता, वो जो प्योर मोमेंट होता है ना कभी नहीं किया जा सकता। काफ़ी इमोशनल था उस समय, मे बी शायद उनके संग कोई आया होगा तो यू नो कैप्चर कर लोगे। आई एम गोइंग सोलो, मैं सोलो ही हूँ, और अगर मैं वापस से जाता फिर कैमरा सेट करता फिर से यू नो करता तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता अकॉर्डिंग टू मी। मेन ये है कि वो फील आनी चाहिए, वो वाइब आनी चाहिए, और वो आई, कैप्चर नहीं हुई कोई बात नहीं, वो मेमोरी में है, वो हमेशा रहेगी।
सो या केदारनाथ धाम फाइनली इट वॉज माई ड्रीम फ्रॉम लास्ट 2 years आई गेस. हाँ 2 साल से मैं प्लान कर रहा था केदारनाथ जाना है बट यू नो जब भोले बुलाता है तभी जा सकते हैं हम, उसके पहले नहीं उसके बाद नहीं, बस जब बुलाता है तभी जाते हैं. साढ़े 6 बजे आरती है, 6:30 बजे आरती होगी, यहाँ लाइन लग चुकी है. तेरे खास निशानी हो को चिट्टे कबूतर खास निशानी हो अमरनाथ बिच बोले तेरी अमर कहानी हो. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय. रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय. रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. से चोरावाड़ी जो लेके यहाँ पे बारिश बहुत तेज थी उस दिन. आप समझ सकते हैं कि मुंबई में पूरे साल में अराउंड 800 मिलीमीटर बारिश होती है, सिर्फ उन 3 दिनों में 500 मिलीमीटर बारिश हुई थी. तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक रहा होगा वो. तो वहाँ से पूरा बहते ही मंदा के नीचे आई एकदम प्रकोप में, बहुत तेज़ थी, यहाँ नीचे आई और पूरा ले गई यहाँ से पूरा साफ़ करके. बट साथ में एक ये भीमशिला यहाँ आके रुक गई और पूरा जो स्ट्रीम थी पानी की उसको डाइवर्ट कर दिया और ये मंदिर हमारे बच गया. लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नत मानते हैं अपने घरों के लिए, यहाँ पे पत्थर बनाते हैं कि उनका घर सुरक्षित रहे, उनका परिवार वाले सुरक्षित रहें. सबकी अपनी अपनी मान्यता है. अब इसे कोइंसिडेंस बोलिए, इसको बाबा की भक्ति बोलिए, बट ये है. तो ये मार्ग है भैरव मंदिर जाने का. बोला जाता है कि अगर आप केदारनाथ जी आए हैं और भैरव मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी ये जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होती है, ऐसी मान्यता है. तो अगर आप आएँ तो केदारनाथ जी आएँ तो भैरव मंदिर जरूर जाएं. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय. नमः शिवाय. दर्शन हुए पूरे अच्छे से, दर्शन हुए फिर भैरव मंदिर गए, वहाँ दर्शन किए. सुबह के 9:30 बज रहे हैं, नीचे के लिए हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक. मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 बजे तक हम नीचे पहुँच जाएंगे. नमः शिवाय हर हर भोले.